मित्रों प्रणाम, आपका स्वागत है YouTube के ओम चैनल के कार्यक्रम यंत्र मंत्र और तंत्र में। एक झाड़ा लेकर आया हूँ कि महिलाएं अगर आपके घर में हैं तो उनके साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो आपको कैसे उनको निवारण करना है, क्या निदान करना है, ये अब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ भूत भगाने का तेल, वो भी मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा। यदि आपने देखा हो कि आपके घर में या कोई पड़ोस पड़ोस में कोई महिला अलग अलग प्रलाप करती है, कौए और कुत्ते का नाखून और लाल मिर्च, इनको आपस में मिलाकर एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जलाएं, उस धुएं को उस महिला के समक्ष उसकी नाक के पास रखें, भूत प्रेत जो भी होगा उसको छोड़कर तुरंत चला जाएगा, प्रेतवाधा खत्म हो जाएगी। अगला उपाय, यह भूत उतारने का तेल अब मैं आपको बता, आप अपने घर में वैसे भी रख सकते हैं, आपके बच्चे बाहर जाते हैं इधर उधर कहीं भी पैर पड़ सकता है उनका, आपके परिजन वो भी भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हो सकते हैं, तो उसके लिए विशेष तेल है। आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर एक मंत्र लिखा हुआ होगा, ओम नमो काली कपाली दही दही स्वाहा ओम। ये मंत्र 108 बार पढ़कर सरसों के तेल या किसी अन्य तेल में जो आप लगाते हैं, सरसों का तेल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सर में भी लगा सकते हैं, पूरे शरीर पर लगा सकते हैं, सरसों के तेल में आप इस मंत्र को पढ़कर 108 बार फूंक मारें, जिससे वो मंत्र उस तेल में बैठ जाएगा, यानी वो तेल अभिमंत्रित हो जाएगा और उस व्यक्ति को आप लगाएं तो प्रेत बाधा से युक्त व्यक्ति तुरंत स्वस्थ हो जाता है, भूत प्रेत उसे छोड़कर अक्रांत ही भाग जाते हैं। तो मैंने आपको जो तेल अभी बताया मित्रों, वो आप ये ध्यान रखिएगा, ये तेल आपने अपने घर के लिए अभिमंत्रित किया है तो वो आपके घर में ही कार्य करेगा, आपके घर के ही सदस्यों पर कार्य करेगा, बाहर किसी व्यक्ति को आप देंगे तो वो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा मित्रों। तो आप अपने घर में इस तेल को पढ़ के रखिए, अपने घर के जो सदस्य हैं उनको आप ये तेल दीजिए। अगला उपाय मित्रों, डाकिनी का नाम आप सबने सुना होगा, डाकिनी भूत प्रेतों से भी अधिक शक्तिशाली होती है, और डाकिनी भगाने का एक झाड़ा है मैं आपको दे रहा हूं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ओम नमो नारसिंह पाड़हार भस्मना योगिनी बंद डाकिनी बंद 84 दोष बंद अष्टोत्तर शत व्याधि बंद खेदी खेदी भेदी भेदी मारे मारे सोखे सोखे ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल नरसिंह वीर की शक्ति फुरो ओम। इस मंत्र का 108 बार प्रयोग करें और मोरपंख की झाड़ू से जो व्यक्ति डाकिनी से ग्रस्त है उसके शरीर पर इस मंत्र को पढ़ पढ़ कर आप फूंक मारते रहें और 108 बार ये कार्य आपको करना है, और 108 बार ही वो झाड़ू जो मोरपंखी की झाड़ू है उससे उसको झाड़ना है, तो भूत प्रेत की तो बात आप छोड़ दीजिए, डाकिनी भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत भाग जाती है। तंत्र मंत्र और यंत्र कार्यक्रम में बस इतना ही, आपको कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम आप मुझे सूचित कीजिएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं अपील करता हूँ कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अभी मैं आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसमें आकर्षण मंत्र और धनवृष्टि मंत्र ये प्रमुख हैं। इस सभा में इतना ही मित्रों, अगली सभा में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।